हेलो हेलो कमल भैया, आपको महाराज जी दरबार में बुला रहे हैं। सावन के झूलों में मुझको बुलाया, सावन के झूलों में मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सपनों में आई एक हसीना हो, सपनों में आई एक हसीना, नींद चुराई मेरा चैन बिछीना, नींद चुराई मेरा चैन बिछीना, कर दिया मुश्किल मेरा जीना, याद जो आया उसकी जुल्फों का साया, याद जो आया उसकी जुल्फों का साया, मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस। और भैया मुझको आज दीजिए प्यार भरी आशीष, प्यार भरी आशीष बिरन हो, क्यों इतने घबराए, और यह मुखमंडल गमगीन आपका क्यों कारे बादल छाए, आज कारे बादल छाए भैया, आज क्या चिंता ये भारी, आज हकीकत आज बयां कीजिए, यह पूछे बिरने हजारी, बड़े भैया जब मैं पहले राज दरबार में आता था तो आपका ये मुखमंडल हमेशा चांद और सितारों के तरीके चमकता हुआ दिखाई पड़ता था, परंतु आज ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इतना परेशान करके रखा है, मैं जानना चाहता हूँ। बुलाया इसलिए दिलने, रचाना है रचाना है, बंधा के माथे पर सहरा,
कमल सिंह, जब से तुम लंदन से आया है मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम एकदम नौजवान हो गया है, शादी करने योग्य हो गया है मेरे वीरन। तो मैं सोचता हूं कि मेरा एक इकलौता भाई तू ही तो है, मैं शादी करके ओ भी भार अपने सर से उतार दूं। यही हमेशा मेरे मन में चिंता रहती है मेरे भैया। भैया अपनी बात सुनिए, आज शादी की फिक्र करिए ना भैया मेरे, शादी से इसी घड़ी मुझको इनकारिए, अभी तो उम्र पढ़ने आज टहलने की है, शादी से इसी घड़ी भैया इनकारी। बड़े भैया अभी तो हमारी उम्र पढ़ने और लिखने की है, इतना जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है? सुन कमल, गरी करोगे नहीं शादी मेरे बिरने, दुनिया को मुझे कैसे दिखाऊंगा मैं, मुझ पे सारा जमाना तो जीते गिरनी मन। कमल सिंह, तुमसे मैंने उम्मीद लगाए बैठा हूं मेरे भाई, मैं ये नहीं चाहता कि ये सारी दुनिया मेरे ऊपर थूके कि कमल की शादी सूरज सिंह क्यों नहीं कर रहा है, तो ऐसी बात मेरे सामने मत लाने दे मेरे भाई। ठीक है भैया, मैंने आपकी बात कभी भी अस्वीकार नहीं किया है। मैं जब छोटा सा था तभी माता पिता गुजर गए, एक आप और भाभी माँ ने ही तो मुझे सहारा दिया है। ये आपस की बातें हैं, होती रहेंगी, लेकिन मैं इतने वर्षों के बाद घर वापस आया हूं, मेरे एक दिल में तमन्ना है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। कौन सी तमन्ना है कमल? जो भी तमन्ना है, तेरा बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई होने के नाते तेरी हर तमन्ना को पूरा करने के लिए सूरज सिंह तैयार है। बोल मेरे भाई, क्या बोलना चाहता है? मेला मलखानपुर में बिरन है लगा, मेला मलखानपुर में बिरन है लगा, जाऊंगा बस इजाजत मुझे दीजिए, मेला मलखानपुर में बिरन है लगा। इजाजत मुझे
शाम तक लौट आऊंगा हर हाल में। शाम तक लौट आऊंगा हर हाल में, बस मेरे भैया मुझी को ये वचन दीजिए। शाम तक लौट आऊंगा हर हाल में, शौक से दे खाने में कमल सिंह मेरे छोटे भाई, तुम मेला शौक से देखने जाओ, मुझे कोई इनकार नहीं है। ठीक है बड़े भैया, मैं आपको वचन देता हूँ कि सूर्यास्त होने से पहले अवश्य राज दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। हेलो ए मान्य महोदय परमादरिया बलराम गौतम। बलराम गौतम जी आप रखवा के निवासी हैं, 1000 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत सा धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है बड़े भाई साहब की तरफ से। हे पाथर माटी के घर मैया तो हम I'm not the one who's running away.
हेलो ए माने महोदय परमादड़िया रवि कुमार गौतम जी। रवि कुमार गौतम जी मरियाहू के रहने वाले हैं। एक गीत पे खुश होकर 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी के तरफ से धन्यवाद आशीर्वाद की कामना है। ए पाथर मोती के घर मैया तो हाँ।